वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा। जाति बताने बनाई कमेटी, एक हफ्ते में होगा जाति का खुलासा। कहां से आएंगे जाति के दस्तावेज? सम्राट मीर भोज का नाम इस समय दो जातियों के बीच संघर्ष का वो ताला बन चुका है जिसकी चाबी ढूंढने के लिए कमेटी बनाने का फैसला किया गया। गुजर और क्षत्रिय सम्राट मीर भोज के नाम के साथ अपनी अपनी जाति जोड़ने का धागा लिए सिलाई को बेताब है, लेकिन फैसला करे तो कौन करे, ये समस्या पैदा हो रही थी। लेकिन कमेटी बनाकर कुछ दिनों के लिए इस विवाद को टालने का प्रयास किया गया है। वहीं यूपी के मुखिया योगी ने सम्राट मीर भोज की मूर्ति का उद्घाटन करके मानो इस विवाद को हवा दे दी हो। लेकिन पहले आपको बता दें कि विवाद की असली वजह क्या है। दरअसल पिछले हफ्ते ही सम्राट मीर भोज की मूर्ति का अनावरण सीएम योगी ने किया था, लेकिन सूबे के मुखिया ने उद्घाटन पट्टी से जैसे ही पर्दा हटाया एक बड़ा विवाद पर्दे से बाहर आ गया। खैर विवाद इतना तूल पकड़ने लगा कि ये शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। जंगल की आग की तरह ये विवाद यूपी से एमपी में शिफ्ट हो गया, जहां ग्वालियर में गुज्जर समाज ने मीर भोज को गुज्जर जाति का बताते हुए अपनी जाति का बताया। दरअसल ग्वालियर में मूर्ति की स्थापना के बाद करीब 500 जवानों की तैनाती की गई ताकि मीर भोज की मूर्ति की रक्षा हो सके, लेकिन इससे इस विवाद का कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आया। निकलता भी कैसे, भला पुलिस जवानों की तैनाती कब तक मूर्ति की सुरक्षा हो सकती थी? लेकिन अब इस मामले पर प्रशासन ने निर्णय लेने के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। अब कमेटी बताएगी कि सम्राट मीर भोज किस जाति के हैं। यहाँ तक कि आपके पास कोई सबूत हो तो आप भी इस कमेटी को सौंप सकते हैं। ग्वालियर में गुज्जर समाज के भारी उत्पात के बीच पुलिस प्रशासन ने कड़ी सतर्कता बरतते हुए हंगामा मचाने वालों पर ठोस कार्रवाई करने का मन बना लिया है। करीब 100 से अधिक की संख्या में लोगों ने पथराव व आगजनी करने का प्रयास किया। इनके खिलाफ पुलिस ने वीडियो के माध्यम से उन तमाम लोगों की पहचान करते हुए FIR दर्ज करते हुए कार्रवाई करने की बात कही है। खैर कमेटी को 4 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। कमेटी या वो लोग जिनके पास मीर भोज की जाति के पुख्ता सबूत हैं, वो प्रशासन को 4 तारीख को ऐसे प्रमाण पेश करेंगे जिससे मीर भोज की जाति का पता चल सके। गुज्जर समाज के कई संगठन मारने मरने तक को उतारू हैं। वहीं क्षत्रिय समाज भी सम्राट भोज को अपना बताने से पीछे हटने के मूड में नहीं। हालांकि ये बात साफ समझी जा सकती है कि कमेटी के फैसले के बावजूद शायद ही इस विवाद का अंत हो। हाईकोर्ट के निर्देश पर कमेटी ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन तनाव अभी भी खत्म नहीं हुआ। यही कारण है कि मूर्ति के आसपास कड़ी सुरक्षा है, 24 घंटे पुलिस बल तैनात है जिससे किसी भी तरह की स्थिति से निपटा जा सके। इसके अलावा आसपास के गांव जो गुज्जर बहुल इलाके हैं, वहां भी फोर्स गश्त कर रही है जिससे हर हरकत पर नजर रखी जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ के इस उद्घाटन ने कहीं ना कहीं उनके लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दी है। आने वाले यूपी इलेक्शन के परिणामों में इस विवाद के छींटे पड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जुड़े रहिए वीके न्यूज MP छत्तीसगढ़ के साथ। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला